हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, और लेकिन आज मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी है और वो अपने ड्यूटी गए हैं, छुट्टी नहीं है। तो हम जो भी कुछ पार्टी करेंगे शाम को करेंगे, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आएंगे। तो अभी मैं उन लोगों का वेट कर रही हूँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हम आने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि फिर शाम को हम सब कहीं बाहर भी जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे। तो फिर आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखना कि हमारी एनिवर्सरी इस बार कैसी रहती है, क्योंकि इस बार हम घर से काफ़ी दूर हैं। सुबह से सब लोगों की विशेज़ आ रही हैं, घर वालों की सबकी, और क्योंकि हमेशा क्या होता था कि मेरे घर से कोई ना कोई मेरे पास आ जाता था इस दिन, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो आज हम इस बार काफ़ी दूर हैं घर से, तो इस बार फ्रेंड्स लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मेरे हस्बैंड अभी लंच पे भी आएंगे, तो उनके लिए लंच भी बनाना है, तो काम बहुत सारा है। तो मैं आपसे बीच बीच में मिलती रहूँगी। हस्बैंड लंच करने आए थे तो मेरे लिए फ्लावर और चॉकलेट लेके आए। उनको ऐसा लग रहा था कि आज हमारी एनिवर्सरी है वेडिंग, और वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि ड्यूटी भी ज़रूरी है, बट मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लग रहा था, बट अच्छा लगा फूल और चॉकलेट देख के। हाय गाइस, मैं जो है एनिवर्सरी पार्टी के लिए रेडी हो गई हूँ, और अभी मेरे फ्रेंड्स लोग भी आने वाले हैं, तो उसके बाद हम केक कट करके फिर कहीं बाहर चलेंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मैं अपना फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैं अकेले शूट नहीं कर सकती हूँ। और फिर जैसे वो लोग आते हैं तो मैं आगे आपको उनसे भी मिलाऊंगी। मेरे हस्बैंड रेडी हो गए थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। इनको लग रहा था कि मैं इनके फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, और ये पोज दे रहे थे, और इन्होंने वो शूज़ पहने थे जो मैंने इन्हें गिफ्ट करे हैं, लेकिन इनको पता नहीं मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि मेरा भी ज़रा फुल लुक दिखा दो, तो ये था मेरा फुल लुक। आई होप आपको पसंद आया हो। सो गाइज, सब लोग आ चुके थे और अब केक कट करने की तैयारी हो रही थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आगे मैं कुछ क्लिप्स डालूंगी जिसमें रियल आवाज़ है। उसमें आप कूलर और फ़ैन की आवाज़ को माइंड मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके बिना वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था। नहीं खिचड़ी भाई, क्या नहीं खिचड़ी चला एम बेटा साइड कर, क्या हो गया? ऑफ करके ऑन करता हूँ, सब ठीक में बताता हूँ। फोटोग्राफर बुला रखे हैं, ये अचानक लाइट चली गई थी, लेकिन तुरंत आ गई थी, और यहाँ पे ये लोग हमारे फोटोज भी क्लिक कर रहे थे, तो हम फोटोशूट भी थोड़ा हो रहा था।
होना चाहिए। कैंप का भी तो बंद है ना, कैंप का भी तो बंद है। फैट बैली, आज बैली को फैट करेंगे। हम पहुंच चुके हैं, मेरी भी ले लो थोड़ी। हेलो, ये है ना कैमरामैन हम ही हैं। हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट डे फैट बैली में। सामने से जा रहे हैं रीच हियर। ये सब लोग खुश हो गए क्योंकि इनको मैच मिल गए। इन लोगों को खाने से ज्यादा खुशी है ये जो बैंगलोर का मैच चल रहा है। हम तो भाई कोहली को जिता रहे हैं, हम कोहली वाले कुछ नहीं। ये दोनों भी आ गई हैं। आज ऑर्डर करो आप और फिर देखते हैं क्या क्या आता है वो दिखाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, हस्बैंड वाइफ का फोटोशूट चल रहा है। ओके ओके। और यहाँ पे ये बुक्कड़ वेस्ट बढ़िया। क्या क्या तो रिकॉर्ड करो कैसे देखो इन दो में। माय गॉड चिकन मजे तो इनके हैं भैया। बाउल आपको देने और दो और दीजिए। बाय। सो गाइज हम घर आ चुके हैं, पार्टी ओवर। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।